चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया। स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया, ये इसको अपन साया में भी रख सकते हैं, 8 दिन साया में भी रह सकता है ये। उसके बाद इसको 2 दिन धूप दिखा दीजिए तो ये आपके पास बेडरूम में रह सकता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है और ये ऑक्सीजन छोड़ता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। ये आप बेडरूम में भी रख सकते हैं इसको, और ये एक साया का प्लांट भी बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साया वाला नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसको 1-2 दिन धूप चाहिए पड़ती है। और ये भी ऐसी है, इसको भी आप 2 दिन बेडरूम में रख सकते हैं। उसके बाद आप धूप दिखा दीजिए तो आप ये अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, और ये डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में जहाँ चाहे आप वहाँ रख सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके क्या है, ये पफ निकलते हैं, ये देखिए, ये बाजू से एक और आ रहा है, ये यहाँ पर, ये देखिए, ये बाजू से ये अंदर, ये एक और आ रहा है साइड से, तो ये पफ देता है। और इसको आप उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे, जैसे कि ये मैंने लगाया है, ये देखिए ये लगाया है मैंने, और ये भी एक लगाया है छोटा सा, ये छोटा पफ लगाया है मैंने। तो बस इसकी प्रोपोगेशन इसी तरह से होती है। बाकी अगर आप, ये देखिए, ये मैंने आधा पत्ते को तोड़ के लगा दिया, या आधा पत्ता भी अगर तोड़ के आप लगा देते हैं, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा तोड़ के फेंक दीजिए, और ये नीचे का हिस्सा आप अगर लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये मेरे पास है, ये हिस्सा मिट्टी में लगा दीजिए आप तो ये ग्रो हो जाएगा। ये आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। ये आधा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा तोड़ के आप ये मिट्टी में दबा देंगे तो ये इसमें रूट आ जाती है। ऐसे भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं आप, और ये पफ से भी कर सकते हैं आप। ये इस तरह से आप लगा दीजिए तो ये अलग भी ग्रो कर लेता है। ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा था, और ये देखिए बाजू से ही पफ आ रहा, देखिए एक नहीं 2-2 पफ आ रहे, देखिए एक नहीं। अब ये आप एक अलग लगाना चाहें तो एक लगा दीजिए, नहीं तो दो अगर पफ अलग करना चाहें तो दो लग, देखिए इसमें रूट आ गई है, ये देखिए इसमें रूट आ गई है, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ये देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ, इसकी लॉन्ग रूट है तो मैं ये थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा, ये इतनी ही रूट इसमें काफ़ी होगी दूसरी जगह ग्रो होने में, तो ये मैं इधर लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसको 2-3 घंटे अगर धूप मिली भी तो ठीक है, अगर एक आध दिन धूप नहीं भी मिली तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है। इसमें पानी दे देंगे फ्रेंड्स, मैं ये इसको दोबारा फिर से लगा दूंगी तो ये फिर ग्रो करेगा। और ये फ्रेंड्स, ये मैंने और पफ एक निकाला है, अब ये मैं कहीं और लगा दूंगी। और ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया है लगा के कैसे लगाते हैं, इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है। इसी तरह से आप भी, अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप नहीं है तो आप लेके आ जाइए नर्सरी से, ये बहुत अच्छा प्लांट है, और ग्रो करिए आप भी लाके। और ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगता है, कोई खूबसूरत से प्लांटर में लगाइए आप और ये डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए तो ये बहुत अच्छा लगता है ग्रो। ऐसा एक फ्लावर्स की तरह इसका शेप होता है और ग्रीन लीफ हो जाते हैं इसके, और भी ग्रीन हो जाते हैं। अब ये बेडरूम में रखिए, कहीं भी रखिए आप, बहुत अच्छा प्लांट है। और फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी तो इसकी
40% गार्डन सॉइल लीजिए आप, और उसमें अगर आप किसी से नाप के लेते हैं तो दो हिस्से, दो कटोरी के हिसाब से, नहीं तो दो हिस्से आप मिट्टी ले लीजिए और एक हिस्सा सैंड मिला लीजिए उसमें, और एक 20% सैंड मिला लीजिए उसमें, और उसके बाद 20% काउडन डाल दीजिए उसमें, रेत काउडन, और थोड़ी बहुत अगर डालना चाहें तो पत्ती की खाद, नहीं तो किचन वेस्ट से जो अपन कंपोस्ट बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें पत्ती की खाद ज़्यादा डाली है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, पफ निकल रहे हैं, बाजू से पफ निकल आए हैं ये, तो मैंने इससे कई प्लांट बना लिए, एक ये है, एक वो है, और भी ये अभी दूसरा पफ ये मैंने निकाला नहीं है, यहाँ भी आ रहा है, देखिए ये आ रहा है और इधर साइड से और छोटा निकल रहा है एक, और ये अगर चाहें तो पत्ते से भी आप ग्रो कर सकते हैं, ऐसा पत्ता आप ऐसा लगा दीजिए तो ये ग्रो हो जाता है पत्ते में भी। आजकल तो बारिश शुरू हो गई तो ये पत्ता भी आप ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो इसमें भी रूट आ जाती है। और फ्रेंड्स पानी इसमें बहुत कम ज़रूरत होती है पानी की, मतलब आपके पास अगर धूप है तो आप पानी रोज़ दे सकते हैं इसमें, नहीं तो आप बस इसका ऊपर का हिस्सा जो है मिट्टी का सूख जाए तभी पानी दें, नहीं तो पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और अगर आपने घर में रखा हुआ है तो आप 2-3 दिन में एक बार पानी दें, अगर बाहर रखा हुआ है धूप में तो रोज़ आप दे सकते हैं, और बेडरूम में तो मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पानी की, तो सूखता नहीं है, एवोपरेट नहीं होता है, तो बाहर रखा रहता है तो वो एवोपरेट जल्दी हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स यही आपको ख्याल रखना है इस प्लांट का, बस सो फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, बाय फ्रेंड्स।